सो हे गाइस, मेरा नाम है प्रवीण और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं विंग्स की तरफ से आने वाले इस बहुत ही खूबसूरत ईयरबड की, जिसका नाम है विंग्स पैंथम 380। और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिलता है, अंडर 1000 और 1000 से काफ़ी नीचे देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो कि है ANC का फीचर, जो कि आपको 1000 के अंदर कोई भी ऐसा ईयरबड नहीं मिलेगा जिसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक इकलौता ऐसा ईयरबड है जिसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स, एडवांस फीचर्स के साथ आता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली होगी और आपको पता लग गया होगा कि कैसा डिज़ाइन है और कैसी पैकिंग के साथ आता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में और कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में और मुझे क्या इसमें इनिशियली क्या अच्छा लगा। इसका मैं इन डेप्थ रिव्यू वो बाद में करूँगा जब मैं इसको कुछ दिन यूज़ कर लूँगा, उसके बाद मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू करूँगा कि कैसा ईयरबड है। बट इनिशियली मुझे कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिज़ाइन आप देख सकते हो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है डिज़ाइन और काफ़ी छोटा डिज़ाइन आता है, मतलब आपको जेब में रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, बट इसका जो जो इसका जो कैप आता है ऊपर का, इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ा लगेगा कि कॉस्ट कटिंग की गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट थोड़ा सा ये चीप लगता है कि जब आप इसका ये आप जब कैप खोलोगे तो ये थोड़ा कैप अनस्टेबल सा है, थोड़ा सा हिलता है और काफ़ी ऐसा लूज सा लगता है। और ये स्टार्टिंग से ही लूज सा लग रहा है। और मैंने इसको चेक करने के लिए मैंने इसको रिटर्न भी किया था और मैंने दूसरा रिप्लेस करके मंगाया है, तो इसमें भी वही वैसा ही है। तो मुझे पता चला कि इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है। तो ये एक आपको थोड़ा सा इसमें आपको लग सकता है कि थोड़ी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी दी गई है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो उससे आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। अब दूसरी बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो इसमें काफ़ी अच्छा साउंड आपको बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और आपको जिस प्राइस रेंज में ये आता है अंडर 1000 जो ईयरबड आते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा ये साउंड क्वालिटी देगा, काफ़ी अच्छा बेस आपको देखने को मिलेगा और जो ट्रेबल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं। तो आपको म्यूज़िक जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। आप मीडिया कंजम्पशन करते हो या फिर म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
बात करते हैं जो इसमें स्पेशल फीचर है, जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाता है इस प्राइस रेंज के अंदर, वो है इसकी कॉलिंग फैसिलिटी। जो इसमें कॉलिंग फीचर मिलता है ये ANC फीचर के साथ आता है, जो कि है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन में क्या अंतर है, तो मेरी एक वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन में अंतर क्या होता है। बट अगर आप मैं जनरली बताऊँ मोटा मोटा, तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एक नॉइज जो कैंसिलेशन की टेक्निक है, जिससे आप जब बात करते हो तो बैकग्राउंड जो नॉइस है वो काफ़ी कम जाती है, और ये हाई एंड ईयरबड्स में ही आता है ये टेक्नोलॉजी। और मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास और जो ईयरबड थे और भी दो चार ईयरबड मैंने यूज़ कर रखे हैं, तो उसमें पैसिव नॉइज कैंसिलेशन था, इस वजह से उसमें इतनी अच्छी बैकग्राउंड नॉइज जो है वो इतना अच्छा से रिड्यूस नहीं करता था। सामने वाले को आप अगर बाहर बाहर आप बात कर रहे हो तो नॉइज सामने वाले को बहुत ज़्यादा जाती थी। बट इसमें ये फीचर है और ये फीचर आपको काफ़ी हेल्प करता है। मैंने इससे बाहर ट्रैफिक में इससे बात करके देखी है, सामने वाले इंसान को बहुत ही कम बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम जाती है, तो ये रियलिटी में वर्क करता है। तो मैं इसकी ANC क्वालिटी से काफ़ी खुश हूँ। इसमें एक और बहुत ही अच्छा स्पेशल फीचर है, जो कि है इसमें ऐप कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो आपको आप इसके ऐप इसका ऐप डाउनलोड करके आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, और इसमें जो भी आप अपने फ़ोन के थ्रू इसमें फीचर्स जो हैं, जैसे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है, उसको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, गेमिंग मोड को ऑन करना है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस ईयरबड को। अब इसके प्राइस की बात करते हैं, तो ये मुझे मिला है 599 रुपीज़ का, सेल में लिया था मैंने फ्लिपकार्ट से, 599 रुपीज़ का मिला है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस 1600 या 1700 रुपये था, बट अभी इसका प्राइस काफ़ी कम हो चुका है। आपको सेल में नहीं भी लोगे तब भी आपको 700-800 रुपये, या फिर सेल में आता ही रहता है तो ये आपको 600-700 रुपये तक का मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, और आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। आपको अगर एक ऐसा ईयरबड चाहिए जिसमें आपको कॉलिंग बहुत अच्छी चाहिए, साउंड भी सुनना है, आपको ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप इस ईयरबड के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।